गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका गुरुकुल धाम कैंपस में। आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रजामंडल आंदोलन पर। प्रजामंडल आंदोलन की थ्योरी हमने देख ली थी और उसके बाद हमें क्या अपना मूल्यांकन भी करना है और मूल्यांकन हम कैसे करेंगे। हम मूल्यांकन करेंगे MCQ के माध्यम से। और ये जब आप मूल्यांकन कर लोगे तो आपका कोई भी प्रजामंडल का क्वेश्चन है वह गलत नहीं होगा। तो प्रजामंडल आंदोलन है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वह है कि प्रजामंडल आंदोलन जयपुर प्रजामंडल का गठन कब हुआ था। जयपुर प्रजामंडल के बारे में पूछा है कि जयपुर प्रजामंडल का गठन कब हुआ था, 1931, 1936, 1938, 1939। तो जयपुर प्रजामंडल का जो गठन हुआ था वह हुआ था 1931 ईस्वी में, और किसके द्वारा किया गया। तो जयपुर प्रजामंडल का गठन किया था वह किया था कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा। किसने किया था? कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा इसका गठन किया गया था। और इसका जो जयपुर प्रजामंडल है, इसका पुनर्गठन जो किया गया था वह किया गया था इसका पुनर्गठन और पुनर्गठन जो किया था वह इसका किया था 1936 ईस्वी में। और 1936 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था जमनालाल बजाज। और जमनालाल बजाज तथा और कौन थे इनके साथ? हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री के द्वारा। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे, प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे, प्रथम जो अध्यक्ष इसके जो अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो बनाया गया था चिरंजी लाल मिश्र को। अध्यक्ष किसे बनाया गया था? चिरंजी लाल मिश्र को। तो हमारा आंसर तो ये हो गया कि जयपुर प्रजामंडल का गठन कर्पूर चंद पाटनी ने 1931 ईस्वी में किया था और इसका पुनर्गठन 1936 ईस्वी में जमनालाल बजाज तथा हीरालाल शास्त्री के द्वारा किया गया। और इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे चिरंजी लाल मिश्र को, इसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो 1936 जो थे, 1936 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1936 ईस्वी में दो प्रजामंडल का गठन किया गया था। और दो प्रजामंडल वो कौन कौन से हैं? तो दो प्रजामंडल जो है वह है 1936 में, एक तो है बीकानेर प्रजामंडल 1936 ईस्वी में, एक तो है बीकानेर, और दूसरा जो प्रजामंडल है वह है धौलपुर प्रजामंडल। और 1938 जो ईस्वी है, इस 1938 ईस्वी में, यानी ये तो 1936 ईस्वी में तो बीकानेर और धौलपुर प्रजामंडल का गठन हुआ था 1938 ईस्वी में। और 1938 ईस्वी में मैंने आपको कल चार प्रजामंडल बताए थे, और चार प्रजामंडल कौन कौन से? एक तो मेवाड़, दूसरा था अलवर, एक है भरतपुर, भरतपुर, और एक है साहेबपुरा। मैंने ट्रिक क्या बताई थी कि जब माँ हावी होती धो देती, तो ये तो हो गई, और फिर मैं अब से मेवाड़, अलवर, भरतपुर, अब से साहेबपुरा, ये चार क्या हो गए 1938 में। और चार ही जो प्रजामंडल है उनका गठन किया गया था 1939 ईस्वी में। और 1939 ईस्वी में चार कौन कौन से प्रजामंडल थे? तो ये जो चार प्रजामंडल थे 1939 ईस्वी में वो थे, एक तो था सिरोही, एक था किशनगढ़, सिरोही, किशनगढ़, कोटा, और करौली, और कौन सा था? करौली। अब ये जो प्रजामंडल है इसके आपको संस्थापक भी पूछ लिए जाते हैं। तो बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक जो थे वो कौन थे? तो बीकानेर प्रजामंडल का अगर आपको संस्थापक पूछे तो आपको बताना है मघाराम वैद्य।
मग्घा राम वैद्य जो है इन्होंने बीकानेर प्रजामंडल का संस्थापक थे ये, और धौलपुर के थे, धौलपुर के जो थे वह थे ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, और एक थे कृष्ण दत्त पालीवाल। ये किसके थे? धौलपुर के। और मेवाड़ के कौन थे? तो मेवाड़ के थे माणिक्य लाल वर्मा जो थे वो थे मेवाड़ के। और अलवर के कौन थे? तो अलवर के जो थे वो थे हरि नारायण शर्मा। और भरतपुर के कौन थे तो भरतपुर के जो थे वह थे मास्टर आदित्येंद्र गोपी लाल यादव और थे किशन लाल जोशी। ये कहाँ के थे? तो ये जो थे वह थे भरतपुर के। और एक कौन सा बताया? मेवाड़, अलवर, भरतपुर और शाहपुरा। और शाहपुरा के जो थे वह थे रमेश चंद्र ओझा। ये कहाँ के थे? शाहपुरा के। तो दो जो हो गए, एक तो बीकानेर और दूसरा हो गया धौलपुर। ये तो हो गए 1936 में। 1938 में चार हो गए हैं। चार कौन कौन से? एक तो मेवाड़ हो गया, दूसरा अलवर हो गया, तीसरा भरतपुर हो गया और चौथा कौन सा हो गया? शाहपुरा हो गया। चार हमारे सिरोही, किशनगढ़, कोटा और करौली, ये हो गए 1939 में। और सिरोही की ध्यान में रखना आप कि सिरोही जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना दो बार की गई थी। पहली बार इसकी स्थापना की गई थी 1934 ईस्वी में, और 1934 ईस्वी में इसकी जो स्थापना करने वाले थे वो थे बंबई में की थी वृद्धि शंकर त्रिवेदी के द्वारा, और 1939 में जो इसकी स्थापना की थी वह की थी गोकुल भाई भट्ट के द्वारा। तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? गोकुल भाई भट्ट ने। ध्यान में रखना ये दो बार स्थापित हुआ है। गोकुल भाई भट्ट ने 1939 में की थी। और किशनगढ़ जो प्रजामंडल है इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके थे कांति लाल चौथानी जो थे वह थे इसके किसके? किशनगढ़ के कांति लाल चौथानी। और कोटा के कौन थे तो नैनू राम शर्मा। और करौली के कौन थे? तो करौली के थे त्रिलोक चंद माथुर। तो हमारे चार प्रजामंडल हो गए हैं। एक तो सिरोही, दूसरा हो गया है किशनगढ़, तीसरा कोटा और चौथा करौली। इन चार प्रजामंडलों की स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 1939 ईस्वी में। और हमारा आंसर जो हो गया वह हो गया जयपुर प्रजामंडल का गठन 1931 में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोटा प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो कोटा प्रजामंडल की स्थापना अभी हमने देखा था किसने की थी? पंडित नैनू राम शर्मा के द्वारा की गई थी। कोटा प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? पंडित नैनू राम शर्मा ने इस की स्थापना की थी। और जो ये भूरेलाल बयां जो है ये कौन थे? तो भूरेलाल बयां जो थे ये थे मेवाड़ प्रजामंडल के थे ये उपाध्यक्ष। कौन थे? मेवाड़ प्रजामंडल के
उपाध्यक्ष थे। रमेश चंद्र व्यास, ये जो रमेश चंद्र व्यास जो थे, ये थे मेवाड़ प्रजामंडल के, मेवाड़ जो प्रजामंडल था इसके थे प्रथम सत्याग्रही। कौन थे? प्रथम सत्याग्रही। भीलवाड़ा के निवासी थे। और बलवंत सिंह मेहता, बलवंत सिंह मेहता जो थे यह थे मेवाड़ प्रजामंडल के, मेवाड़ प्रजामंडल जो था इस मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम जो अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष वो कौन थे? तो मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष जो थे वह थे बलवंत सिंह मेहता। तो हमारा आंसर क्या हो गया कि कोटा प्रजामंडल की स्थापना पंडित नयनूराम शर्मा ने की थी, और कब की थी? 1939 ईस्वी में की थी। यह आपको ध्यान में रखना है, 1939 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजपूताना का सबसे प्राचीनतम प्रजामंडल कौन सा है? तो प्राचीनतम प्रजामंडल कौन सा होगा? जो प्रथम होगा वही प्राचीनतम प्रजामंडल होगा। और प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? तो जयपुर प्रजामंडल। सबसे पहले जो स्थापित हुआ था वह कौन सा प्रजामंडल हुआ था? जयपुर प्रजामंडल। और इसकी जयपुर प्रजामंडल जो था इसकी स्थापना अभी अभी हमने देखी थी, कब हुई थी? 1931 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई थी? तो कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मेवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल कब स्थापित हुआ था? तो मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना की गई थी वह 1938 ईस्वी में की गई थी। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? माणिक्य लाल वर्मा, माणिक्य लाल वर्मा थे। यह आपको पूरा याद हो जाएगा, आप बार बार करोगे ना प्रैक्टिस, याद हो जाएगा। और डूंगरपुर प्रजामंडल, यह जो डूंगरपुर प्रजामंडल है यह कब स्थापित हुआ था? तो डूंगरपुर प्रजामंडल स्थापित तो हुआ था 1944 ईस्वी में, और इसके संस्थापक कौन थे? भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या जो थे वह इसके कौन थे? संस्थापक थे। झालावाड़ प्रजामंडल, झालावाड़ जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना तो हुई थी 1946 ईस्वी में। इसकी स्थापना कब हुई? 1946 ईस्वी में। और इसके संस्थापक जो थे वह थे मांगी लाल भव्य। कौन थे? मांगी लाल भव्य जो थे वह इसके क्या थे? संस्थापक थे। और झालावाड़ प्रजामंडल के बारे में आपको एक बात ध्यान में रखना है कि झालावाड़ प्रजामंडल जो था यह राजपूताना का सबसे नवीनतम प्रजामंडल था। तो राजपूताना का सबसे नवीनतम बोल दो, या इसको क्या बोल सकते हैं हम? नवीनतम को ही क्या बोल सकते हैं? अंतिम नवीनतम या अंतिम जो प्रजामंडल था वह कौन सा था? तो वह प्रजामंडल था झालावाड़ प्रजामंडल। तो मेवाड़ प्रजामंडल 1938 में माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा, डूंगरपुर प्रजामंडल 1944 ईस्वी में भोगीलाल पांड्या के द्वारा, जयपुर प्रजामंडल 1931 में कर्पूरचंद पाटनी, और झालावाड़ 1946 में मांगीलाल भव्य के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मेवाड़ राज्य, मेवाड़ राज्य का संविधान जो है यह किसने तैयार किया था? तो मेवाड़ राज्य का जो संविधान तैयार करने वाले थे वो थे के एम मुंशी। किसने तैयार किया था? के एम मुंशी के द्वारा मेवाड़ राज्य का क्या किया गया था? संविधान तैयार किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो क्या थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे इन्होंने क्या किया था? भारतीय संविधान का जनक कहलाता है। भारतीय संविधान के जनक कौन कहलाते हैं? तो भारतीय संविधान के जनक आपको पूछ ले तो वो कौन कहलाते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और जो केवी राव जो थे उन केवी राव ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक और जननी दोनों कहा है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और बी एन राव जो थे इन्होंने भारतीय जो संविधान था इस भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था। तो आपको पूछ ले कि भारतीय संविधान का जो प्रारूप तैयार किया था वो किसने किया था? तो वह किया था बी एन राव के द्वारा तैयार किया गया था। अब बी एन राव ने जो संविधान का प्रारूप तैयार किया था उस पर विचार विमर्श करने के लिए
डॉक्टर बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया था? प्रारूप समिति का गठन किया गया था। माणिक्यलाल वर्मा कौन थे? तो माणिक्यलाल वर्मा जो थे वह थे मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक। मेवाड़ प्रजामंडल जो था इसकी स्थापना कब हुई? 1938 ईस्वी में हुई। प्रजामंडल के जो संस्थापक कहलाते हैं वो कौन कहलाते हैं? माणिक्यलाल वर्मा कहलाते हैं। संस्थापक भी थे और यही जो थे वह थे इस मेवाड़ प्रजामंडल के महामंत्री जो थे वो भी कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा थे। हमारा आंसर क्या हो गया? के एम मुंशी हमारा आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राज्य का वह प्रजामंडल जिसका गठन रियासत से बाहर हुआ, तो रियासत से बाहर जो हुआ था वह कौन सा प्रजामंडल था? तो चार प्रजामंडल मैंने बताया था, बीकानेर प्रजामंडल, जैसलमेर, सिरोही, भरतपुर। रियासत से, अपनी रियासत से बाहर हुआ था, तो रियासत से बाहर किसका हुआ? तो हमारा जो बीकानेर प्रजामंडल है, इस बीकानेर प्रजामंडल जो था, इस बीकानेर प्रजामंडल का जो गठन हुआ था वह हुआ था कलकत्ता में। कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ? 1936 ईस्वी में हुआ था। जैसलमेर प्रजामंडल, इस जैसलमेर प्रजामंडल का जो गठन हुआ था वह हुआ था जोधपुर में। जैसलमेर का कहां पर हुआ था? जोधपुर में हुआ था। और जैसलमेर का जो गठन हुआ था वह कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था। सिरोही का गठन, तो सिरोही का गठन मैंने कहा था कि पहली बार जो गठन हुआ था वह बंबई में हुआ था, और कब हुआ था? तो 1934 ईस्वी में हुआ था। भरतपुर प्रजामंडल, भरतपुर जो प्रजामंडल है इसका गठन हुआ था रेवाड़ी में। कहाँ हुआ था? रेवाड़ी में। और इसका जो गठन कब हुआ था? तो इसका भी गठन हुआ था 1938 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। तो हमारा आंसर जो हो गया वह क्या हो गया? उपर्युक्त सभी हो गया। तो राजपुताना का वह प्रजामंडल जिसका गठन रियासत से बाहर हुआ, इन सभी का गठन रियासत से बाहर ही हुआ है। यदि यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि राज्य का वह प्रजामंडल जिसका गठन राजपुताना से बाहर हुआ, तो इसमें ये तीन आ जाते और ये क्या कट जाता? जैसलमेर कट जाता, क्योंकि राजपुताना के अंदर ही है जोधपुर। तो ये आपको बातें ध्यान में रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सुमेलित कीजिए। प्रजामंडल दिया हुआ है एक तरफ, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष दिया हुआ है। तो अब इसमें आप एक बात ध्यान में रखना कि जो आपको सबसे आ रहा है सबसे ज्यादा उसको ध्यान में रखना है। तो हमने जयपुर प्रजामंडल बहुत बार पूछ पढ़ लिया है। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो 1931 ईस्वी में। तो पहले में चार आएगा, तो पहले में चार आएगा ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, और ना ही डी होगा। या तो हमारा आंसर ए होगा या सी होगा, ए या सी में से होगा। तो दो तो हमने काट दिए, अब हमें दो पर ही फोकस करना है। तो जोधपुर, जोधपुर यानी मारवाड़ जो प्रजामंडल है, इस मारवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? तो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1934 ईस्वी में। कब हुई थी? 1934 ईस्वी में। तो दूसरे में क्या है? तीन। तो ये भी हमारा कट गया, और हमारा आंसर क्या होगा? यह ए हमारा आंसर हो जाएगा। मेवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1938 ईस्वी में। और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में। और जैसलमेर जो प्रजामंडल है इसके जो संस्थापक जो थे वह थे मिठालाल व्यास। कौन थे? मिठालाल व्यास। और उसके बाद मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक बहुत बार रट लिया है, माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा। और उसके बाद है मेवाड़ हो गया, जोधपुर प्रजामंडल यानी मारवाड़ के कौन थे? तो भंवरलाल सराफ, भंवरलाल सराफ थे। और इनके साथ आप किसका नाम ले सकते हैं? आप जयनारायण व्यास को भी यहाँ पर रख सकते हैं। और उसके बाद है जैसलमेर हो गया, मेवाड़ हो गया, मारवाड़ हो गया, जयपुर, जयपुर का तो आपको आने ही लग गया। कौन थे? कर्पूर चंद पाटनी, कर्पूर चंद पाटनी थे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन कौन सा है वो हमें देखना है।
तो जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1938 ईस्वी में जयपुर में हुआ था। ये बात तो सही है कि जयपुर प्रजामंडल का प्रथम जो अधिवेशन हुआ था वह 1938 ईस्वी में हुआ था और कहां पर हुआ, जयपुर में हुआ था। ये बात तो हमारी राइट है। दूसरा है, जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन में महात्मा गांधी जो थे, इन महात्मा गांधी ने भी भाग लिया था। तो ये महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था यहाँ पर। तो यहाँ पर भाग लेने वाले कौन थे, तो इसमें जो भाग लेने वाले थे वो थे कस्तूरबा गांधी। तो ये हमारा जो असत्य कथन हो गया, कस्तूरबा गांधी जो थी इन्होंने भाग लिया था। तो हमारा आंसर तो ये हो गया कि बी है, यह हमारा आंसर हो गया। ऐसा ही पूछा है और ये हमारा गलत हो गया। अगला है, जयपुर में दुर्गा देवी ने महिला सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो जयपुर में दुर्गा देवी ने महिला सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, सही बात है। मिर्जा इस्माइल को आधुनिक जयपुर का निर्माता कहा जाता है, ये भी बात हमारी राइट है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी हमारा आंसर हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी। जो कस्तूरबा गांधी जो थी, इस कस्तूरबा गांधी ने क्या किया था कि 10 मई 1938 ईस्वी को कस्तूरबा गांधी ने क्या किया था, कस्तूरबा गांधी इन्होंने किया था कि 10 मई 1938 ईस्वी को, स्थान पड़ता है जयपुर में एक नथमल का काटिला। इस नथमल का काटिला जो स्थान पड़ता है, इस नथमल का काटिला नामक स्थान पर जो महिला सम्मेलन हुआ था, इस महिला सम्मेलन को संबोधित किया था, महिला सम्मेलन को संबोधित किया था, संबोधित किया था, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो हमारा गलत आंसर कौन सा आ गया कि जयपुर में, जयपुर प्रजामंडल है उसके प्रथम अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था, तो किसने भाग लिया था, कस्तूरबा गांधी ने भाग लिया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था, इस भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य संपन्न हुआ था। तो ये जो जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था वह कब हुआ था, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था, जेंटलमैन एग्रीमेंट मतलब एक समझौता हुआ था, यह जो जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था वह हुआ था 17 सितंबर 1942 ईस्वी को। कब हुआ था, 17 सितंबर 1942 ईस्वी को हुआ था। अब ये जेंटलमैन एग्रीमेंट किस किस के मध्य हुआ था, तो यह जो जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था वह किस किस के मध्य हुआ था, तो यह जो हुआ था वह हुआ था जयपुर के जो प्रधानमंत्री थे, कौन थे, सर मिर्जा इस्माइल। ये कौन थे, ये तो थे जयपुर के प्रधानमंत्री, जयपुर के कौन थे, प्रधानमंत्री थे। और दूसरी तरफ जो कौन थे, वह थे सर मिर्जा इस्माइल और एक तरफ थे हीरालाल शास्त्री। और हीरालाल शास्त्री कौन थे, हीरालाल शास्त्री जो थे वह थे प्रजामंडल के अध्यक्ष। कौन थे हीरालाल शास्त्री, तो ये थे प्रजामंडल के अध्यक्ष। तो हमारा आंसर क्या हो गया कि किसके मध्य हुआ, तो मिर्जा इस्माइल था, रामकरण जोशी नहीं था, मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री इन दोनों के मध्य यह समझौता हुआ था। कौन सा समझौता हुआ, जेंटलमैन समझौता हुआ, के एम मुंशी और माणिक्यलाल वर्मा ये भी नहीं है, के एम मुंशी और जयनारायण व्यास ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब ये जो जेंटलमैन एग्रीमेंट था, यह क्या था जेंटलमैन एग्रीमेंट, यह था कि जो प्रजामंडल के अध्यक्ष बनाए गए थे 1940 ईस्वी में बने थे, कौन, हीरालाल शास्त्री। इन हीरालाल शास्त्री को क्या कहा गया कि हीरालाल शास्त्री जो है यह
जो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन था, इस भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, बदले में जयपुर में क्या कर दी जाएगी, उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी जाएगी। यह था हमारा जेंटलमैन एग्रीमेंट, इसकी डेट याद रखनी है 17 सितंबर 1942 को यह समझौता हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को अपने अंग के रूप में अपनाया। ये अमृतसर है, ध्यान रखना, अमृतसर, नागपुर, हरिपुरा और लखनऊ, तो कौन से अधिवेशन में अपनाया था, तो यह अपनाया था हरिपुरा अधिवेशन। ये जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था यह कब हुआ, तो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1938 ईस्वी में, हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी में हुआ था। और कहां पर हुआ, तो हरिपुरा, और हरिपुरा कहां पड़ता है, हरिपुरा हमारा पड़ता है गुजरात में। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे, तो किसने इसकी अध्यक्षता की थी, तो इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। कौन थे, सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे, सुभाष चंद्र बोस ये कौन थे, इसके अध्यक्ष थे। तो हरिपुरा अधिवेशन जो था उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को अपने अंग के रूप में अपनाया, यानी प्रस्ताव जो रखा था वह कौन से कांग्रेस के अधिवेशन में रखा था, तो हरिपुरा अधिवेशन में रखा था। और हरिपुरा जो अधिवेशन हुआ था वह कब हुआ था, तो हरिपुरा जो अधिवेशन हुआ था वह हुआ था हमारा 1938 ईस्वी में हरिपुरा गुजरात में। किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो यह जो हुआ था वह हुआ था सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू जो थे, इन्होंने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का कौन सा अधिवेशन, सातवां अधिवेशन कहां आयोजित हुआ था, तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का सातवां अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ, वह कहां हुआ, तो वह जो सम्मेलन हुआ था वह हुआ था उदयपुर में। कहां हुआ था, उदयपुर में हुआ था। और उदयपुर का सलेटिया जो मैदान है, उदयपुर के सलेटिया मैदान में यह अधिवेशन हुआ था, सलेटिया मैदान में। और कब हुआ था यह अधिवेशन, तो यह जो अधिवेशन हुआ था वह हुआ था 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 को यह अधिवेशन हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। अब आपको ये पूछ ले कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है इसका नाम, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, तो इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, प्रथम अधिवेशन, यह जो अधिवेशन हुआ था वह हुआ था 18 दिसंबर 1827 ईस्वी को यह अधिवेशन हुआ था, 18 दिसंबर 1827 ईस्वी को हुआ था। कहां पर हुआ था, तो इसका आपको स्थान पूछ ले, तो यह हुआ था बंबई में। कहां पर, बंबई में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वह किसने की थी, तो इसके अध्यक्ष जो थे वह थे दीवान बहादुर रामचंद्र राव। कौन थे, दीवान बहादुर रामचंद्र राव जो थे वह इसके अध्यक्ष थे। इसका जो अधिवेशन तय हुआ था, यानी इसका जो तय अधिवेशन था वह होना था गुजरात में। कहाँ होना था, गुजरात में होना था, लेकिन गुजरात में क्यों नहीं हुआ, गुजरात में बाढ़ आ गई थी, और बाढ़ आने के कारण इसका अधिवेशन कहाँ बुलाया गया था, बंबई में बुलाया गया था। अब इसका अंतिम जो अधिवेशन हुआ था वह कहाँ हुआ, तो इसका जो अंतिम अधिवेशन हुआ था वह हुआ था इसका अंतिम अधिवेशन, तो अंतिम अधिवेशन इसका कहाँ हुआ था आपको पूछ ले, तो इसका अंतिम अधिवेशन 1948 ईस्वी में हुआ था। और 1948 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था, तो इसका अधिवेशन हुआ था जयपुर में। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वह किसने की थी, तो इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे पट्टाभि सीतारमैया को। किसको बनाया गया था, पट्टाभि सीतारमैया को इसके अध्यक्ष बनाया गया था। ये बात आपको ध्यान में
रखनी है। और इसके बाद इस राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये अंतिम जो अधिवेशन हुआ था वह हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। और राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के साथ और यह अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का अंतिम अधिवेशन हुआ था। और इस अधिवेशन के बाद इस अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद को का विलय जो है वह किस में कर लिया गया, कांग्रेस में विलय इसका कर दिया गया। यानी प्रथम अधिवेशन पूछ लिया आपको तो कहाँ हुआ था, 18 दिसंबर 1827 ईस्वी को बॉम्बई में दीवान बहादुर रामचंद्र राव की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। इसका अधिवेशन जो तय हुआ था वह गुजरात में होना तय था, लेकिन गुजरात में भयंकर बाढ़ आ गई थी, इस कारण इसका अधिवेशन कहाँ बुलाया गया, बम्बई में इसका अधिवेशन बुलाया गया था। और इसके जो अंतिम जो अधिवेशन हुआ था वह कहाँ हुआ था, तो यह अंतिम अधिवेशन हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के साथ ही 1948 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता पट्टाभि सीतारमैया ने की थी। कब हुआ, 1948 ईस्वी में हुआ था। और इस अधिवेशन के बाद इस अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद जो है इसका विलय राष्ट्रीय कांग्रेस में कर दिया गया। और हमें पूछा है सातवां अधिवेशन, तो सातवां अधिवेशन उदयपुर के सलेटिया मैदान में हुआ था। कब हुआ, 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वह किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी जो अध्यक्षता की थी वह की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, तो सिरोही प्रजामंडल शायद आपने रट लिया होगा, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 ईस्वी में हुई थी। कब हुई, 1939 ईस्वी में हुई थी। और सिरोही प्रजामंडल है, इसके बारे में आप ध्यान में रखना कि सिरोही जो प्रजामंडल है, इस सिरोही प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वह दो बार हुई थी। स्थापना कितनी बार हुई, दो बार हुई थी। तो प्रथम बार जो इसकी स्थापना हुई थी वह हुई थी 1934 ईस्वी में। कहाँ पर हुई थी, बम्बई में हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी, तो यह की गई थी वृद्धि शंकर त्रिवेदी के द्वारा। वृद्धि शंकर त्रिवेदी, इनके द्वारा पहली बार सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। और दूसरी बार जो इसकी स्थापना की गई थी वह की गई थी 1939 ईस्वी में। और 1939 ईस्वी में इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, तो इसकी जो स्थापना की गई थी वह सिरोही में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी, तो यह की गई थी गोकुल भाई भट्ट के द्वारा की गई थी, गोकुल भाई भट्ट। और इन्हीं गोकुल भाई भट्ट को क्या कहा जाता है, राजस्थान का गांधी के नाम से इन्हें जाना जाता है। 1945 ईस्वी में दो प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। और दो प्रजामंडल कौन कौन से हैं आपके, एक तो जैसलमेर प्रजामंडल, एक तो है आपका, दो प्रजामंडल है, एक है आपका जैसलमेर प्रजामंडल और दूसरा जो आपका है वह है प्रतापगढ़ प्रजामंडल। इन दोनों प्रजामंडलों की स्थापना कब हुई थी, 1945 ईस्वी में हुई थी। और 1943 ईस्वी का आपको पूछ ले, तो 1943 ईस्वी में स्थापना जो हुई थी वह हुई थी बांसवाड़ा प्रजामंडल की। बांसवाड़ा जो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी वह कब हुई थी, 1943 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और 1947 ईस्वी में प्रजामंडल, कोई भी प्रजामंडल स्थापित नहीं हुआ था। अंतिम जो प्रजामंडल स्थापित हुआ था 1946 ईस्वी में स्थापित हुआ था, कौन सा प्रजामंडल था, तो वह था झालावाड़ प्रजामंडल, जिसका जिसके संस्थापक कौन थे, तो उसके संस्थापक थे मांगीलाल भव्य। तो हमारा आंसर क्या हो गया कि सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, 1949 ईस्वी में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, एक तरफ प्रजामंडल दिया हुआ है, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष। तो बूंदी प्रजामंडल कब स्थापित हुआ था, बूंदी प्रजामंडल हमारा स्थापित हुआ था 1931 ईस्वी में। तो पहले में एक है, पहले में एक, ये हमारा आंसर नहीं होगा और ना ही डी होगा, तो सी और डी तो हमने काट दिए। अब या तो ए होगा या बी होगा, तो देखते हैं जोधपुर यानी मारवाड़ जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो जोधपुर जो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी वह हुई थी 1934 ईस्वी में। तो दूसरे में तीन आएगा और दूसरे में तीन, तो हमारा आंसर तो क्या हो गया, हमारा आंसर पहला हो गया, ये भी कट गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया, एक नंबर। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना, तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में, दो नंबर। और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1904 ईस्वी में। तो बूंदी प्रजामंडल है, इसके संस्थापक आपको पूछ ले, तो बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे, तो बूंदी के जो संस्थापक थे वह थे कांतिलाल। कौन थे, कांतिलाल। एक बात यहाँ ध्यान रखना कि बूंदी के कांतिलाल और किशनगढ़ के कांतिलाल चौथानी।
जोधपुर के कौन थे? जोधपुर के भंवरलाल सराफ, भंवरलाल सराफ और जयनारायण व्यास सराफ। जयनारायण व्यास भी अगर ये ऑप्शन में ना हो तो आप कर सकते हैं। बीकानेर के थे मेघाराम वैद्य थे। और जैसलमेर के कौन थे? तो जैसलमेर के थे मीठालाल व्यास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह है, नवंबर 1941 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अवार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो उद्घाटन किया था वह किसके द्वारा किया गया था? एक सेकंड पानी पी लूं। तो मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम जो अधिवेशन हुआ था, वार्षिक अधिवेशन, उसका उद्घाटन किसने किया था? आचार्य कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता। तो इसके जो अधिवेशन का उद्घाटन किया था वह किया था आचार्य जे बी कृपलानी के द्वारा इसका किया गया था। और विजय लक्ष्मी पंडित जो थे उन्होंने इसी अधिवेशन में किसका प्रदर्शन किया था? खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। किनका उद्घाटन किया था? खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। खादी प्रदर्शनी का जो उद्घाटन किया था वह किया था विजय लक्ष्मी पंडित के द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन है, हीरालाल शास्त्री जो थे उन्होंने किसके साथ जेंटलमैन एग्रीमेंट किया? तो ये तो हमने देखा था, हीरालाल शास्त्री ने जेंटलमैन एग्रीमेंट जो किया था वह कब हुआ था? तो जेंटलमैन एग्रीमेंट जो हुआ था वह हुआ था 17 सितंबर 1942 को। जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ? 17 सितंबर 1942 को यह जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। किसके साथ हुआ था? तो हीरालाल शास्त्री हो गए एक तरफ, और दूसरे तरफ थे जयपुर के प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल। और क्या था समझौता? कि जो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन है उसमें जयपुर प्रजामंडल भाग नहीं लेगा और बदले में जयपुर में उत्तरदायी शासन स्थापित कर दिया जाएगा। यह था जेंटलमैन एग्रीमेंट। और इससे संतुष्ट होकर हीरालाल शास्त्री जो थे उन्होंने जयपुर प्रजामंडल में भाग नहीं लिया था, और अलग से इस जयपुर प्रजामंडल के अन्य जो सदस्य थे उन्होंने एक 1942 में आज़ाद मोर्चे का गठन कर दिया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, जेंटलमैन एग्रीमेंट के विरोध में आजाद मोर्चा, ये अगला अपना क्वेश्चन आ गया, आजाद मोर्चा का गठन किसने किया था? तो आजाद मोर्चे का गठन रामकरण जोशी, बाबा हरिश्चंद्र, दौलत भंडारी और हीरालाल शास्त्री। तो बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा इस आजाद मोर्चे का गठन किया गया था। और आजाद मोर्चा जो है इसका गठन कब हुआ था? तो इसका जो गठन हुआ था वह 1942 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1942 ईस्वी में ही आजाद मोर्चा गठित किया गया था। किसके विरोध में किया गया था? तो प्रजामंडल आंदोलन जो था उसमें भाग, उसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। और ये जो आजाद मोर्चा था किसके द्वारा गठित? बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा। और रामकरण जोशी और दौलत भंडारी जो थे ये इसके अन्य सदस्य थे। किसके? आजाद जो मोर्चा था, इस आजाद मोर्चा का जो अन्य सदस्य थे वह थे, अन्य सदस्य थे दौलत भंडारी और रामकरण जोशी। और हीरालाल शास्त्री जो थे यह जयपुर प्रजामंडल के क्या थे? तो यह थे जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष। और इनको जयपुर प्रजामंडल के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो कब बनाया गया था? तो इनको जो अध्यक्ष बनाया गया था वह बनाया गया था 1940 ईस्वी में। कब बनाया गया? 1940 ईस्वी में। और ये जो आज़ाद मोर्चा जो गठित किया गया था, इस आज़ाद मोर्चे ने जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। और उसके बाद 1945 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर और जयपुर प्रजामंडल में आज़ाद मोर्चा को शामिल कर लिया गया था। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बाबा हरिश्चंद्र हमारा आंसर हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है, छत्तर सिंह व पंचम सिंह तासिमो कांड में तिरंगे के खातिर शहीद हुए, यह तासिमो स्थित है। तो
तो तासिमो स्थान पूछा है, तासिमो कांड जो हुआ था इस, यह जो तासिमो स्थान है वह कहां पर है, तो तासिमो जो स्थान है वह पड़ता है धौलपुर में। कहां पड़ता है तासिमो स्थान, धौलपुर में पड़ता है। और यह जो तासिमो कांड हुआ था वह कब हुआ था, तो यह हुआ था 11 अप्रैल 1947 को। कब हुआ था, 11 अप्रैल 1947 ईस्वी को यह तासिमो कांड हुआ था। तासिमो कांड जो हुआ था वह हुआ था कब, 11 अप्रैल 1947। तासिमो स्थान कहां पड़ता है, धौलपुर में तासिमो स्थान पड़ता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वह है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में देसी रियासतों को भारत का अभिन्न अंग माना गया, तो यह तो हमने पहले ही पढ़ लिया है कि हरिपुरा अधिवेशन में माना गया था। और हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था वह कब हुआ था, तो हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी में कहाँ पर हुआ, तो गुजरात में पड़ता है, यह हरिपुरा नामक स्थान गुजरात में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता करने वाले थे, तो इसके जो अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने क्या नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हरिपुरा अधिवेशन 1938 को गुजरात में हुआ था। कबीर पाठशाला व पुत्री पाठशाला का गठन हुआ था, तो कबीर पाठशाला और पुत्री पाठशाला का जो गठन हुआ था वह कब हुआ था, तो इसका जो गठन कहाँ हुआ था, तो चूरू में इसका गठन हुआ था। तो हमारा आंसर क्या हो गया, चूरू इसका आंसर हो गया। एक जो ये कबीर पाठशाला व पुत्री पाठशाला का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो यह गठन किया गया था सर्वहितकारिणी सभा के द्वारा। किसके द्वारा किया गया, सर्वहितकारिणी सभा, कारिणी सभा के द्वारा किया गया था। और यह सभा कहाँ हुई थी, तो यह सभा हुई थी चूरू में। कब हुई थी, तो इसका जो गठन हुआ था वह हुआ था 1913-14 ईस्वी में। कब हुई थी, 1913-14 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। और इसके संस्थापक आपको पूछ ले, तो इसके संस्थापक कौन थे, तो इनके संस्थापक जो थे वह थे स्वामी गोपाल दास। कौन थे, स्वामी गोपाल दास इनके क्या थे, संस्थापक थे। किसके, सर्वहितकारिणी सभा के। इसका उपनाम क्या था, इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो इसका उपनाम था चूरू की कांग्रेस, चूरू की कांग्रेस के नाम से इसको जाना जाता है। और इसका जो इस सर्वहितकारिणी सभा है, इसी ने कबीर पाठशाला व पुत्री पाठशाला का गठन किया था। और एक बात आप ध्यान रखना कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को चूरू के धर्म स्तूप पर तिरंगा झंडा फहराया गया था। और यह जो तिरंगा फहराया था, तिरंगा जो है वह किसने के द्वारा फहराया गया था, तो वह फहराया गया था स्वामी गोपाल दास। और दूसरे जो थे इनके साथ वह थे चंदनमल बहड़। और चंदनमल बहड़ की यदि आपको पुस्तक पूछ ले, तो इनकी पुस्तिका कौन सी थी, बीकानेर दिग्दर्शन, जिसमें इन्होंने बीकानेर के किसानों की दशा का वर्णन किया था। और इस पुस्तिका का वितरण कहाँ करवा दिया था, ब्रिटेन में, यानी ब्रिटिश अधिकारियों के समक्ष इस पुस्तिका को रखा गया था। और जो बीकानेर महाराजा गंगा सिंह जो थे, उनकी छवि इनके सामने क्या हुई थी, खराब हुई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कबीर पाठशाला व पुत्री पाठशाला का गठन किसके द्वारा किया गया, तो चूरू में किया गया था। किसके द्वारा, सर्वहितकारिणी सभा के द्वारा। इस सर्वहितकारिणी सभा का गठन कब हुआ, 1913-14 में हुआ है। इसके संस्थापक स्वामी गोपाल दास थे। इसको किस नाम से जाना जाता है, चूरू की कांग्रेस के नाम से इसे जाना जाता है। और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को चूरू का जो धर्म स्तूप है उस पर तिरंगा झंडा फहराया गया था। किसके द्वारा फहराया गया, स्वामी गोपाल दास और चंदनमल बहड़ के द्वारा यह तिरंगा फहराया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, एक तरफ प्रजामंडल है और दूसरी तरफ स्थापना वर्ष। तो जयपुर प्रजामंडल बहुत बार रट लिया है, 1931 ईस्वी को कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा। डूंगरपुर प्रजामंडल 1944 ईस्वी में, तो पहले में एक, तो ये दो तो अपन काट ही देते हैं।
या तो एक होगा या बी होगा, तो दूसरे में चार, दूसरे में चार हमारा आंसर क्या हो गया। ये जो सुमेलित वाले क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, फ्री के नंबर होते हैं। और अलवर, अलवर जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना हुई थी 1938 ईस्वी में, और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, 1936 ईस्वी में हुई थी। यह आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2013 का क्वेश्चन है, जो सेकंड ग्रेड है उसमें 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। और यदि हम इनके संस्थापक देख ले तो संस्थापक कौन थे, जयपुर के जो संस्थापक जो थे वह तो बहुत बार आपको शायद याद हो जाएगा, कर्पूर चंद पाटनी। इतनी बार मैंने दोहरा दिया कि आपके एकदम नींद में भी आप रटने लगोगे। डूंगरपुर प्रजामंडल, डूंगरपुर प्रजामंडल भोगीलाल पांड्या, और इसको क्या कहते हैं, वागड़ का गांधी। भोगीलाल पांड्या को क्या कहते हैं, वागड़ का गांधी कहा जाता है। और अलवर, अलवर के हरि नारायण शर्मा। और बीकानेर के तो आपको याद ही है, मेघा राम भी मिल जाएगा, एक ही बात है, कोई कंफ्यूज नहीं होना है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वह है, किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई, और यह कब आया हुआ है, सेकंड ग्रेड की 2010 की जो भर्ती हुई थी उसमें आया हुआ है। तो प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में, तो कलकत्ता में किसकी हुई थी, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में कब हुई थी, तो बीकानेर की स्थापना हुई थी 1936 ईस्वी में। कब हुई, 1936 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। करौली की 1939 ईस्वी में, ठीक है। और संस्थापक कौन थे करौली के, त्रिलोक चंद माथुर। धौलपुर की हुई थी 1936 ईस्वी में। और कौन थे संस्थापक, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और कृष्ण दत्त पालीवाल। झालावाड़ की 1946 ईस्वी में, और इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक जो थे वह थे मांगीलाल भव्य। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस प्रजामंडल के तहत कृष्णा दिवस मनाया गया, और ये कहाँ पूछा गया है, महिला पर्यवेक्षक 2015 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कृष्णा दिवस जो है वह कौन से प्रजामंडल के द्वारा मनाया गया था, तो यह मनाया गया था मारवाड़ प्रजामंडल के द्वारा। कृष्णा दिवस जो है वह किस प्रजामंडल के द्वारा मनाया गया, मारवाड़ प्रजामंडल के द्वारा कृष्णा दिवस मनाया गया था। ये जो मारवाड़ प्रजामंडल है इसने कई दिवस मनाए थे, जैसे शिक्षा या शिक्षक दिवस, कौन सा दिवस, शिक्षा या इसे कह देते हैं शिक्षक दिवस। यह किसने मनाया था, तो यह जो इसकी डेट भी पूछ लेते हैं, जैसे शिक्षा या शिक्षक जो दिवस है वह 21 जून 1936 को मनाया था, लेकिन हमें डेट ज़्यादा याद नहीं रखनी है। तो मारवाड़ प्रजामंडल शिक्षा या शिक्षक दिवस मनाया था। एक इसने मनाया था उत्तरदायी दिवस, इसी मारवाड़ प्रजामंडल ने ही कौन सा दिवस मनाया था, उत्तरदायी दिवस भी इसी के द्वारा मनाया गया था। और इसने कौन सा दिवस मनाया था, तो इसने जोधपुर जो सत्याग्रह दिवस है वह भी इसने मनाया था। कौन सा दिवस, जोधपुर सत्याग्रह दिवस भी इन्होंने मनाया था। एक इन्होंने मनाया था दमन विरोधी दिवस, कौन सा दिवस, दमन विरोधी जो दिवस है वह भी इसी के द्वारा मनाया गया था। एक इसने मनाया था कि विधानसभा विरोध जो दिवस है वह भी इसी ने मनाया था, कौन सा, विधानसभा विरोध दिवस जो मनाया था वह भी इन्होंने मनाया था। और इन्होंने कौन सा दिवस मनाया था, स्वाधीनता जो दिवस है वह भी इन्होंने मनाया था, कौन सा, स्वाधीनता दिवस भी इन्हीं के द्वारा मनाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है कि जो मारवाड़ प्रजामंडल है इन्होंने कृष्णा दिवस, और कृष्णा दिवस के बारे में एक बात आप ध्यान रखना कि कृष्णा जो दिवस है वह कृष्णा दिवस यह मनाया गया था, यानी कृष्णा जो दिवस है यह 1936 ईस्वी में मनाया गया था, और सर्वप्रथम यह मनाया गया था बॉम्बे में। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि सर्वप्रथम कहाँ मनाया गया था, तो बॉम्बे में मनाया गया था, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मारवाड़ प्रजामंडल ने कौन कौन से दिवस मनाए, इसके ईयर सन भी है लेकिन सन आपको याद नहीं रखनी है। शिक्षा या शिक्षक दिवस मनाया था, उत्तरदायी दिवस मनाया था, जोधपुर सत्याग्रह दिवस, दमन विरोधी दिवस, विधानसभा विरोधी दिवस, और
जो जोधपुर सत्याग्रह दिवस है वह भी इसके द्वारा मनाया गया था। एक ये जो आपका जयपुर प्रजामंडल है इनके भी कई दिवस मनाए थे इन्होंने, जैसे एक तो मनाया था किसान दिवस, कौन सा दिवस मनाया था? किसान दिवस। और किसान दिवस उन्होंने मनाया था, वह मनाया था एक मार्च 1939 ईस्वी को। डेट फिर से बोल रही हूँ, ध्यान रखने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है डेट, ठीक है ना। और उसके बाद जयपुर जो दिवस मनाया था, एक इन्होंने कौन सा दिवस मनाया था? जयपुर दिवस। जयपुर प्रजामंडल के द्वारा ही जयपुर दिवस मनाया गया था। और जयपुर दिवस जो मनाया था वह मनाया था 12 मार्च 1939 को। और एक इन्होंने मनाया था, वह मनाया था सिक्कर दिवस। किसने? जयपुर प्रजामंडल ने। कौन सा दिवस? सिक्कर दिवस मनाया था। और सिक्कर जो दिवस मनाया था, सिक्कर दिवस यह मनाया था 12 जून को। कब मनाया था? 12 जून को। 12 जून को इन्होंने, तो जयपुर प्रजामंडल ने किसान दिवस मनाया था, एक अपना जयपुर दिवस मनाया था, सिक्कर दिवस मनाया था, ये किसने मनाया था? जयपुर। और कृष्णा दिवस मनाया था वह मारवाड़ प्रजामंडल के द्वारा मनाया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य में पंडित नयनू राम शर्मा ने जन जागृति फैलाई? तो पंडित नयनू राम शर्मा का संबंध किससे है? तो नयनू राम शर्मा का जो संबंध है वह है कोटा से। तो किसने? कोटा में। और अलवर का आप पूछ ले, इस कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो कोटा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1939 ईस्वी में। कब? 1939 ईस्वी में। अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो अलवर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1938 ईस्वी में। और हरिनारायण शर्मा इसके संस्थापक थे। भरतपुर की कब हुई थी? भरतपुर की भी 1938 ईस्वी में हुई थी। और झालावाड़ की कब हुई? तो झालावाड़ की हुई थी 1946 ईस्वी में। यह आपको डेट ध्यान में रखनी है। सुमेलित वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो हमने अभी देखा था अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वह कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। और यह कब हुआ था? तो 18 दिसंबर 1827 ईस्वी को इसका हुआ था। और इसका जो अध्यक्षता की थी वह किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता करने वाले थे वह थे दीवान बहादुर रामचंद्र राव। किसके द्वारा? दीवान बहादुर रामचंद्र राव के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और इसका जो अधिवेशन तय हुआ था वह तय कहाँ हुआ था? तो इसका अधिवेशन तय जो हुआ था वह हुआ था गुजरात में। लेकिन गुजरात में बाढ़ आ गई, इस कारण इसका अधिवेशन कहाँ बुलाया गया था? बम्बई में इसका अधिवेशन बुलाया गया था। और अंतिम अधिवेशन मैंने बता दिया था कि अंतिम जो अधिवेशन हुआ था वह अंतिम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो अंतिम अधिवेशन इसका 1948 ईस्वी में पटाभिषिता रमैया की अध्यक्षता में जयपुर में हुआ था। और 1948 में कांग्रेस के अधिवेशन के साथ हुआ था। और उसके बाद इसका विलय कांग्रेस में कर दिया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, विजयादशमी कब आती है? विजयादशमी को भी बोलते दशहरा। और दशहरा यह आता है आश्विन शुक्ल दशमी को। आश्विन शुक्ल दशमी को क्या आता है? यह आता है दशहरा, ठीक है ना, विजयादशमी। इसके अवसर पर हाड़ौती प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो हाड़ौती प्रजामंडल का पूछा है, तो हाड़ौती प्रजामंडल का जो अधिवेशन हुआ पंडित नयनू राम शर्मा की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है ना। हाड़ौती प्रजामंडल नयनू राम शर्मा, और हाड़ौती प्रजामंडल है, इस हाड़ौती प्रजामंडल का गठन कब हुआ? 1934 ईस्वी में हुआ था इसका गठन। और किनके द्वारा किया गया था? तो एक तो थे पंडित नयनू राम शर्मा। और दूसरे कौन थे? तो दूसरे जो थे वह ये थे अभिन हरी। ये आपको बातें ध्यान में रखनी है। और कांतिलाल जो थे ये कौन थे? कांतिलाल जो थे ये बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक थे।
बूंदी प्रजामंडल, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1931 ईस्वी में हुई थी। कांतिलाल चौथानी जो थे, यह कांतिलाल चौथानी जो थे वह क्या थे, तो कांतिलाल चौथानी किशनगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक थे। किसके, किशनगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक थे। और किशनगढ़ प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी, 1939 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, पंडित नयनूराम शर्मा हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा राजस्थान में सर्वप्रथम किस प्रजामंडल में दिया गया, तो इनकलाब जो जिंदाबाद है इसका जो नारा दिया गया था वह कौन से प्रजामंडल में दिया गया था, तो यह नारा दिया गया था जैसलमेर प्रजामंडल में। कौन से प्रजामंडल में दिया गया था, जैसलमेर प्रजामंडल में यह नारा दिया गया था। और जैसलमेर जो प्रजामंडल है इसने भी एक दिवस मनाया था। जैसलमेर प्रजामंडल कब गठित हुआ था, 1945 ईस्वी में। इसकी अगर गठन पूछ ले तो 1945 ईस्वी में संस्थापक जो थे वह थे मीठालाल व्यास जो थे इसके संस्थापक थे। और जैसलमेर प्रजामंडल के द्वारा जो दिवस मनाया गया था, तो दिवस कौन सा मनाया गया था, वह मनाया गया था जवाहर दिवस। आपको पूछ लिया जाता है किस प्रजामंडल के द्वारा मनाया गया, तो जवाहर दिवस जो मनाया गया था वह मनाया गया था कौन से प्रजामंडल के द्वारा, जैसलमेर प्रजामंडल के द्वारा मनाया गया था। और यह जो जवाहर दिवस मनाया गया था वह कब मनाया गया, तो 16 नवंबर 1930 को मनाया गया। डेट आपको वैसे ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैंने बहुत बार बोल दिया है, डेट जो है वह मुश्किल से पूरे पेपर में 2 या 3 पूछते हैं, तो अपन को जो याद रहे वो ठीक है, नहीं याद रहे तो ज़्यादा दिमाग पर जोर देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थे हमारे प्रजामंडल से संबंधित क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन हमें और भी पढ़ने हैं, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, यानी अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें देखेंगे। और कितना आपको समझ में आया कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना, और चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।